कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे और आज है 30 तारीख और सुबह सुबह पतिदेव जा रहे हैं अभी अपना मेडिकल चेकअप करवाने और वहां से चल जाएंगे भैया के घर में। हो सकेगा तो रिंकी दीदी को साथ में लेके आएंगे और पिंटू भैया भी जा रहे पतिदेव के साथ। तो आज दिन भर हम और भाई घर में अकेले रहेंगे और बहुत सारा मस्ती करेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए इस ब्लॉग में पूरा आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए आज हम लोग दिन भर क्या क्या मस्ती करते हैं। सो पतिदेव जा रहे हैं अभी अपने मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। पतिदेव के साथ जा रहे पतिदेव का छोटा भाई, मतलब मेरे छोटे लाल। पूजा पाठ पतिदेव सुबह सुबह कर चुके हैं। चल आते हैं, जल्दी आ जाना। हो सकेगा तो रिंकी को लेके आना। कैसे होगा बताना हमको। बाय 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 मम्मा। जल्दी पतिदेव बांटे बैठी चले गए हैं। वहां से मेडिकल चेकअप करवा के भैया के घर जाएंगे, जाके फिर रिंकी दी को साथ लेके शाम तक वापस आएंगे। तो चलिए दिन भर भाई और हम अकेले रहते हैं और देखते क्या क्या होता है हम लोग से आज। वेजिटेबल ऑर्डर किए थे, आ गए वेजिटेबल हम लोगों का। तो खोलते हैं इसको, खोल के देखते हैं क्या क्या आया है और कितना फ्रेश है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद इसको खोलते, क्योंकि रात को मेरा तबीयत खराब था तो मैंने रात को डिनर स्किप कर दिया था। अभी बहुत भूख लग रहा है, चलिए खाते फिर खोलते। भाई ओपन कर रहा है अभी वेजिटेबल का सामान, देखते जो जो मंगवाए थे वो आया कि नहीं। इसी सब्जी से रात को हम बनाएंगे आज खिचड़ी, क्योंकि आज शनिचरी अमावस्या है। ऐसे भी सैटरडे को खिचड़ी खाना चाहिए और आज अभी से भी अमावस्या है, खिचड़ी खाना चाहिए। हाँ, थोड़ बहुत अच्छा लगता है मुझे थोड़ खाना। ये कोकोनट, ये ऑनियन, ये कॉलीफ्लावर, ये पोटैटो, मेरा भाई झींगा। पता है कि पतिदेव आज घर पे नहीं है तो खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है और कमर में इतना पेन है मेरा कि खड़ा रहने का हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा कल पेन किलर से दर्द ठीक हुआ था, आज फिर वही दर्द हो रहा था। दोपहर को मैंने बना लिया सिर्फ प्लेन एक बासंती पुलाव और रात के खाने के लिए मैंने सब्जी सारा काट के रखा है। तो सब्जी बना ले रहे और शाम को गर्म गर्म खिचड़ी बना लेंगे। आज अमावस्या भी और सैटरडे भी है, सैटरडे को हम लोग खिचड़ी खाते हैं तो सब्जी बना के रख देते हैं। और खाना भी दोपहर का बन गया, भाई नहाने गया, बस नहा के आएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही, बहुत कष्ट हो रहा है। तो सब्जी का था ऊपर से बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलिए बने रहिए, आगे क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। भाई और हम लंच कर लेते हैं, लंच निकाल लिए, भाई भी आ रहा है, लंच करते फिर थोड़ा देर बाद रेस्ट करते हैं, फिर शाम को आप लोगों से मिलते हैं। शाम को रिंकी दी आएगी, पतिदेव और पिंटू भैया भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी बज गया है शाम का 7:30 और पतिदेव और पिंटू भैया निकल गए हैं वहाँ से और मुझे भूख लग गया था तो भाई को बोले थोड़ा सा मूढ़ी मिलाने, तो भाई किचन में गया है मूढ़ी मिलाने। थोड़ा सा मूढ़ी खाते हैं और फिर उसके बाद खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी का सब्जी बना के रख दिए थे तो थोड़ा देर बाद खिचड़ी खाते, थोड़ा सा मूढ़ी खा लेते हैं
चाय पिएगा तुम? हाँ चाय पिएगा? चाय ठीक है। तो भाई मुड़ी मिला रहे हैं, हम थोड़ा सा अदरक वाला चाय बना लेते, भाई को भी थोड़ा सर्दी लगा है, हमको भी लगा है। तो चलिए चाय और मुड़ी लेके आते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। वाह पिंटू, एक साल से अगर कंटिन्यू किया रहता ना, देखिए आप वो कर रहे हैं ना, अभी जब आप उसमें घुस जाइएगा ना, पूरा हार्ड कोर यूट्यूबर, तो आपको थोड़ा अपना इक्विपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना ना, ये आपको पता है ये इतना आउटपुट देगा, एक बढ़िया लैपटॉप जिससे आप एडिटिंग करिए तो लगेगी। छोटा छोटा है लोकल ट्रेन बाटे, अब यही बाकी ट्रेन हमनी के मलेश्वर। हाँ चलो नीचे चाय पीते हैं। देख सकते हैं भाई मुड़ी मिला के लेके आया है और हम चाय बना लिए हैं। पतिते बार पिंटू भैया तो अभी तक आए नहीं और भाई बाहर गया था, भाई बाहर से मेरे लिए लेके आया वही ऑरेंज वाला आइसक्रीम, और हमेशा की तरह लेटे लेटे हम खा रहे थे, आइसक्रीम पूरा टूट के मेरा पूरा भींग गया, आइसक्रीम सारा चला गया पैकेट के अंदर, पीस पीस हो गया। बहुत मजा आता है मुझे वाला आइसक्रीम खाने में, कभी तक मैं आइसक्रीम नहीं खाता। बट पिंटू भैया अभी तक नहीं आएंगे, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं, रात का 9:30 बज गया। तो चलिए खिचड़ी बनाने वाले थे, थोड़ा सा बना ही लेते हैं, वो लोग के भरोसे रहेंगे तो फिर तो आज 12 बजे के बाद तो फिर ग्रहण लग जाएगा 12:15 से, तो जल्दी खाना खाना पड़ेगा। कितना मस्त हवा आ रहा है किचन का खिड़की से, आइसक्रीम खा के थका आ रहा है। तो देख सकते हैं कढ़ाई चढ़ा दिए है, खिचड़ी बना लेते हैं और फिर बनाते बनाते आप लोगों को दिखाते कैसा बन रहा है।
ऐसे हम खिचड़ी एक्सपर्ट हैं। देखते देख सकते हैं खिचड़ी मेरा सीजने लगा है, खिचड़ी चला दिए हैं। तब खिचड़ी बन जाए उसके बाद पतीदेव आ जाएंगे, दूध गर्म कर लेते हैं। 10 बजने वाला है,